एक तो मंडल कमीशन का जो प्रोजेक्ट है वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए है, इस पर मैं लगभग 5 मिनट की बात करूंगा। मंडल कमीशन में क्या है, इस पर सत्यन जी शायद और बेटर रखेंगे, और नेशन के लिए उसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें मैं बाकी के 10 मिनट का समय इसमें लेना चाहूँगा कि इसके लिए इसका क्या महत्व है। देखिए, संविधान में जिस समय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी थी उस समय इंडियन नेशन को जिस तरह से अभी, जैसे कल परसों शायद प्रणब मुखर्जी जिस तरह से बोल रहे थे, और बाद में उसके बाद भागवत ने भी कहा कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है ये लगभग 5000 साल पुराना है, मेघस्थनी जाए तो उन्होंने भारत में कुछ देखा, फिर फाइयान आए और ये कंटिन्यूटी में एक इंडियन नेशन चला आ रहा है, तो हमारे देश के जो निर्माता हैं, संविधान निर्माता हैं, वो इससे सहमत नहीं थे। आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में बार बार एक शब्द आता है कि नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत के इतिहास में अभी जो नक्शा है ये नक्शा कभी नहीं था भारत का। आप अकबर के समय का भी भारत देख लीजिए, अशोक के समय का भी भारत देख लीजिए, किसी भी समय में भारत का नक्शा ये नहीं था, और इतने लोग, इतने तरीके से लोग एक केंद्रीय सत्ता के साथ कभी एकाकार नहीं थे। तो बनता हुआ राष्ट्र इसलिए भी था क्योंकि भारत बहुत ही फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है यहाँ पर, और हर सिर्फ धर्म का विभाजन नहीं है, भाषा का विभाजन नहीं है, ज्योग्राफी का विभाजन नहीं है, जाति का विभाजन है, बहुत सारे और गोत्र का, और उसके अंदर दो एक ही जातियाँ दो अलग अलग जगह अलग अलग तरह से एक्ट और रिएक्ट करती हैं। आपको हरियाणा का यादव और बिहार का यादव अलग अलग ढंग से रिएक्ट कर सकता है, यहाँ के कुर्मी और महाराष्ट्र के कुनबी अलग तरीके से बात कर सकते हैं और अलग अलग उनकी स्थितियाँ हैं। तो इतना बटा हुआ समाज है, और इसमें से सिर्फ बटा हुआ नहीं है, ये बहुत ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। हर जाति दूसरी जाति से नफरत करती है, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे छोटा हूँ, मैं लव वंशी क्षत्रिय हूँ और इस वजह से कुर्म वंशी क्षत्रियों से ऊपर हूँ, और यदु वंशी से तो मेरा ऊपर ही है, और वो आप शेड्यूल कास्ट के अंदर भी उस तरह के आप बंटवारे देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ही नहीं, बाकी लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि इस देश में ये सारी असमानताएँ दूर होनी चाहिए, क्योंकि नेशन का उनका जो कॉन्सेप्ट था, हम लोगों ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया भारत जैसे देश में, जहाँ पर बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के और बहुत ही आदिम किस्म के विभाजन हैं, तो एक तरह से बहुत मिला जुला एक हम स्ट्रक्चर के तरफ जा रहे थे। और नेशन को लेकर जैसे कल वो प्रणब दा भी जो दे रहे थे कि अपना डिफिनेशन दे रहे थे कि वो लैंग्वेज और ये इन तमाम चीज़ों से नेशन बनता है, तो आप बाबा साहब को पढ़िए तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान में भी वो कह रहे हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अपने लास्ट डिबेट में भी वो कह रहे हैं स्पीच में भी कि नेशन ये नहीं है कि एक जैसा लैंग्वेज हो, एक जैसी रेस हो, या ये किसी ज्योग्राफिकल एंटिटी के अंदर लोग मौजूद हैं इसलिए नेशन बन जाएगा, या कॉमन इंटरेस्ट भी नेशन नहीं बनाता है। वो अर्नेस्ट ट्रेनन से अपनी डिफिनेशन लेते हैं बाबा साहब, और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि नेशन जो है वो एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, मतलब कि आप अतीत में कुछ हम लोगों ने साथ किया है और आगे चलकर कुछ साथ अच्छा करने वाले हैं, मतलब मुझे तकलीफ हो रही हो तो वो तकलीफ आपकी भी तकलीफ हो, आप इक्वलिटी और जो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आप बाकी चीज़ों को कानून से लागू करा सकते हैं, लेकिन मेरा और आपके बीच में एक भाईचारा हो, इसको आप, ये शेयर्ड फीलिंग हो सकती है, उसी से ये आ सकता है। मतलब हाशिमपुरा में मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, और कर्नाटक का भी एक हिंदू बैठे हुए उसको लगे कि कुछ गलत हुआ है, ये बहुत अच्छा नहीं हुआ है, या हरियाणा में दलितों पर अत्याचार हो तो सिर्फ उसके खिलाफ दलित प्रोटेस्ट ना करें, बाकी लोग भी उनके साथ आएँ। तो ये शेयर्ड जॉय एंड शेयर्ड सॉरो और शेयर्ड ड्रीम, इनके साथ नेशन बनता है। तो इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनके कॉन्सेप्ट में था कि सबको साथ लेके चलना है, इसलिए आप देखेंगे आर्टिकल 15(4) आता है कि सारे लोग समान हैं, लेकिन स्टेट को ये अधिकार है कि जो बैकवर्ड लोग हैं, क्लासेस हैं, वंचित समूह हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। फिर 16(4) आता है, उसमें भी है कि अगर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पीपल हैं तो उनके लिए अलग से प्रोविजन होगा। इसी के साथ फिर 340 आता है जिसमें कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक आयोग बनेगा और वो आयोग उनके उत्थान के उपाय सुझाएगा, उसी से ये मंडल कमीशन निकला आर्टिकल 340 से। तो 340 जैसा आर्टिकल या 15(4) या 16(4) जैसा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के को फ्रेम कर रहे थे लोग, और इस पर आम राय थी, कोई बहुत खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे थे उस समय लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस वजह से ये सारा कुछ आया। तो मंडल कमीशन मेरे लिए कुछ
जातियों के डिप्रेवेशन को दूर करके उनके उत्थान का प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशन मेकिंग का, नेशन बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। आप इस देश में अगर सारे लोगों को ये लगे ही नहीं कि नेशन हमारा है और नेशन मेकिंग में, नेशन बिल्डिंग में हमारा भी हिस्सा है, तो ये कमज़ोर देश होगा। ये मजबूत देश बन नहीं सकता है जब तक कि समाज के ज़्यादातर लोगों को ये न लगे कि ये देश हमारा है। तो मंडल कमीशन कुछ लोगों को नौकरी देने का प्रोजेक्ट नहीं है, समाज में पीछे रह गए लोगों को स्थान देने का ही प्रोजेक्ट नहीं है, इवन एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन देने का ही प्रोजेक्ट नहीं है, हालांकि उसके लैंग्वेज में है। ये असल में इस नेशन को नेशन बनाने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि शेयर्ड पास्ट हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है। हिस्टोरिकली हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत अच्छी चीज़ नहीं की, जो बाबा साहब की डेफिनेशन है नेशन की, जो श्रेनन की भी परिभाषा है कि शेयर्ड पास्ट, हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत शानदार चीज़ें की है, ये हमारे अनुभव नहीं है। मतलब आज से सिर्फ 150 साल पहले इस देश में लड़कियों के स्कूल नहीं थे। सावित्रीबाई फुले पहला स्कूल पुणे में खोलती हैं, और आप समझिए कि ओबीसी या शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं उनके पहली स्कूलिंग की व्यवस्था अब जाके हो रही है, जिस समय कि यूरोप उससे करीब 200 साल पहले लगभग वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका होता है। तो हमारे पास्ट में बहुत गौरव करके हमने शानदार बहुत कुछ अचीव किया है, ये हम लोगों का क्लेम नहीं है। लेकिन आप अब पीछे की चीज़ों को बहुत बुरी तरह से याद करना भी ना, वो नेशन के खिलाफ है। नेशन, अगर आप इतिहास को बहुत ज़्यादा याद करते हैं कि मुसलमान हमलावर आए, आर्यों ने आकर हमला कर लिया और ब्राह्मणों ने ये कर दिया, इसकी इसकी इसको आप असल में भूलना जो है वो इतिहास का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना नेशन नहीं बन सकता है। और फ्रांस के लोग अगर यही याद करते रहें कि यहाँ पर किस तरह से फ्रांस के हिस्से को गुलाम बनाया गया और उसके बाद एक नेशन बना, या इटली का अगर नॉर्थ इटली ये याद करता रहे कि दक्षिण इटली को हमने गुलाम बनाया था इसलिए इटली बना, या साउथ इटली वाले और सिसली वाले हमेशा याद करते रहे कि नॉर्थ इटली वालों ने हम गैरिबाल्डी ने किस तरह से हम पर जबरन कंट्रोल किया, अगर ये कड़वाहट हम नहीं भूल सकते हैं तो नेशन नहीं बना सकते हैं। तो इस चीज़ों से मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नेशन मेकिंग के प्रोजेक्ट में अगर सोसाइटी के कुछ पीछे रह गए तबकों को आगे लाने का एक कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है और इसको लेकर एक स्वर्ण घृणा दिल्ली की सड़कों पर नज़र आती है और लोग आत्मदाह करने लगते हैं और बसें जलाने लगते हैं, तो ये इन लोगों को आखिर किस फ्रेम में डाला जाए। या अभी अगर बीजेपी की सरकार आरक्षण को एक तरह से डाइल्यूट कर रही है बहुत बड़े पैमाने पर, उसका सबसे बड़ा उनका टूल है कि एक कंपनी जो है, जो सरकारी कंपनी आप लीजिए मारुति की, मारुति जिस समय तक सरकारी कंपनी थी वहाँ पर रिजर्वेशन लागू था, जिस दिन वहाँ पर सुजुकी का पार्टनरशिप और उनका जो स्टेक है वो 51% हुआ, उस दिन से वहाँ आरक्षण खत्म हो गया। जुलाई महीने तक मुझे लगता है कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर देंगे। अब वहाँ 14,000 कर्मचारी हैं, अगली जो नियुक्ति होगी वहाँ पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। तो रिजर्वेशन लागू न करना हमेशा मंडल कमीशन को गाली देकर नहीं होने वाला है, या ये भी नहीं होगा कि हर समय कहा जाएगा कि हम जातिवादी हैं। वो इतने बारीक टूल्स बनाए हुए हैं, जैसे UPSC का रिजर्वेशन है सिविल सर्विस में, सिविल सर्विस में लोग सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद नंबर आता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग जनरल मेरिट में ST/ST OBC के सेलेक्ट हो जाते हैं। अब उनको ये कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा काडर चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो आप अपने को OBC कैटेगरी में लाइए क्योंकि वहाँ पर आपकी मेरिट ऊपर होगी। अब इसके जरिए आपने किया क्या इस बारे को, क्योंकि आप कभी समझने की कोशिश कीजिएगा, कागज़ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा ये किस तरह से होता है। इस वजह से 10वें नंबर पर भी कोई OBC का कैंडिडेट या SC कैंडिडेट चला जाता है तो वो खुद को जनरल क्लेम नहीं करके वो खुद को OBC या SC/ST क्लेम करता है, ताकि उसके सर्विस में वो अपनी कैटेगरी का टॉपर के तौर पर चिन्हित हो। अब इतनी बारीकियों में और इतने शातिर तरीके से जो कास्ट सिस्टम इस देश में काम करता है, इसको समझना और समझकर, जैसे रोस्टर लागू हुआ कि डिपार्टमेंट वाइज, अब डिपार्टमेंट वाइज से लोगों को लगे आप नहीं कर रहे थे कि डिपार्टमेंट वाइज से क्या प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन तो दे रहे हैं। अब डिपार्टमेंट उन्होंने क्या किया कि जैसे मेडिकल में पहले एक डिपार्टमेंट होता था पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट, शिशु रोग विशेषज्ञों का एक डिपार्टमेंट, वहाँ पर एक हॉस्पिटल में 15 या 20 लोग होते थे और वहाँ पर रिजर्वेशन लागू हो सकता था। इस समय आप एम्स जैसे किसी हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ पर पीडियाट्रिक्स का एक डिपार्टमेंट होगा, नियोनेटोलॉजी का एक डिपार्टमेंट होगा,
न्यूनेटल सर्जरी का एक डिपार्टमेंट होगा, न्यूनेटल कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट होगा, वहां पर 8 डिपार्टमेंट होंगे इस समय पीडियाट्रिक्स के अंदर में, जहां पर किसी में भी दूसरी पोस्ट ही नहीं होगी, तीसरी पोस्ट होने का सवाल नहीं, चौथी होगी नहीं, तो सातवीं पोस्ट नहीं होगी तब तक शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन नहीं है। अब इतनी बारीकियों में अगर कास्ट सिस्टम इस देश में काम करता है तो पहले तो आप समझिए कि हो रहा है, फिर उसके बाद उसका आर्टिकुलेशन कीजिए, फिर आप लोगों को मोबिलाइज कीजिए, फिर आप उसका रेजिस्टेंस क्रिएट कीजिए, तो आप समझ सकते हैं किससे आपका पाला पड़ा है। मतलब इस देश में या इस दुनिया में जो एक सोशल सिस्टम इतने लंबे समय से टिका हुआ है उसका कमजोर सिस्टम मत मानिए, वो बहुत ही कनिंग तरीके से, बहुत ही शातिर तरीके से वो काम करता है, और वो आपके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को खड़ा कर देगा। आपको वो बोलेगा अभी जैसे 7% के आसपास या 8% OBC सीट्स भरी हैं, इसी समय वो बोलना शुरू करेगा कि कुछ जातियों ने ज़्यादा खा लिया है, कुछ जातियाँ दबंग जातियाँ हैं, आपने अभी बाकी सीटें भरी नहीं और दबंग जातियों ने ज़्यादा खा लिया, इसके लिए आपके पास कोई डाटा नहीं है। जैसे आप बोलते हैं कि एक्स जाति ने ज़्यादा खा लिया, एक्स जाति ने ज़्यादा खा लिया का मतलब है कि एक्स जाति की संख्या अगर 10% है तो उसने 10% 4 सीटों पर कंट्रोल कर लिया है या ले लिया है, तो वो ज़्यादा खा लिया या दबंग जाति है। अभी आपको एक्स जाति की संख्या कितनी है ये अगर पूछिए कि कैसे उसके क्या क्या नंबर्स हैं, तो वो कहेंगे नंबर्स तो नहीं है क्योंकि 1931 के बाद कोई सेंसस ही नहीं, कास्ट सेंसस। तो उसने ज़्यादा ले लिया इसका मतलब कि कितना ज़्यादा ले लिया, कितने कितने ले लिया, नहीं ये तो हम काउंट करते नहीं हैं क्योंकि नौकरियों में किस जाति के कितने लोग हैं ये भी नहीं पता। तो अब ये आपके अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को वो अपने लिए जिस तरह से इस्तेमाल कर ले रहे हैं, तो ये दरअसल आप अगर इस देश को देश बनाना चाहते हैं तो आप अगर आप सच्चे मायने में देशभक्त हैं तो इस देश के बनाने के प्रोजेक्ट में आप इस देश के अधिकतम लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करेंगे, गांव के लोगों को, पिछड़े इलाके के लोगों को, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को, धर्म के आधार पर जिनके साथ वंचना हुई उनको लेकर आप अगर आप देश बनाना चाहते हैं तब तो मैं आपको देशभक्त मान लूँ। लेकिन आपका प्रोजेक्ट अगर ये है कि हिंदू अपर कास्ट मेल इनका डोमिनेशन कायम रहे, बाकी लोग सब्जुगेटेड रहें, उनकी हेजेमनी में नीचे दबे रहें, वो हेजेमनी कंसेंट से भी क्रिएट कर सकते हैं, धर्म के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि ये आपका पिछले जन्म का फल है या इस जन्म में ठीक करेंगे तो अगले जन्म में ठीक हो जाएगा। इस तरह से अगर आप कंसेंट क्रिएट करेंगे, वो सत्यनारायण की कथा सुना कर तमाम तरीके से अगर वो क्रिएट करते हैं, धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन धर्म का इस्तेमाल जब जाति वंचना को टिकाऊ बनाए रखने के लिए उसका जितना से इस्तेमाल है वहाँ पर मेरा सिर्फ विरोध है। तो ये एक कल्चरल हेजेमनी की तरह अगर तहत बीजेपी इस समय जो अचीव करने की कोशिश कर रही है ये प्रॉब्लमेटिक है। इसके खिलाफ इस देश में जितनी शक्तियाँ हैं, लोकतंत्र की शक्तियाँ हैं, उनको इसलिए नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा होना है कि आरक्षण बचाना है, उनको इसलिए इकट्ठा होना पड़ेगा कि इस देश को बचाना है। ये नेशन का प्रोजेक्ट है, इस देश की मजबूती की, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अधिकतम तबकों की अधिकतम हिस्सेदारी इस देश के राजकाज में हो, चलाने में हो, तमाम इसके संसाधनों में हो, इससे ये देश बनना है। और अगर इससे बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के राइट्स की रक्षा हो, जो फॉरेस्ट के राइट्स हों उनकी रक्षा हो, जो किसान जातियां हैं उनको उनका उनके फसल की सही कीमत मिले, जो महिलाओं की स्थिति है आप देखिए 10वीं या 12वीं में टॉप करती हैं और IIT में पहुँच कर वो 7 या 8% रह जाती हैं, इस बीच का 2 साल का डिफिसिट कहाँ से पैदा हुआ। तो ये सारे सवाल अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस हैं, ये सारे सवाल आपको डिस्कम्फर्ट में डालेंगे कि आपने परिवार के अंदर ऐसा क्या किया कि 12वीं तक जो लड़कियाँ टॉप हो रही हैं वो मेडिकल या इंजीनियरिंग जाते जाते वो बीच में वो गायब कहाँ हो जा रही हैं, ये बिल्कुल बड़ा सवाल है। मेडिकल में 6%, IIT में 8% और यहाँ पर आप देखेंगे तो वो टॉपर्स हैं। अब इस साल के जो 10th की 4 टॉपर्स हैं उसमें 3 लड़कियाँ हैं, आपको वो फर्स्ट डिवीजन ज़्यादा कर रही हैं। तो ये इस तरह के सवाल जो जातियाँ प्रोडक्शन कर रही हैं, नॉलेज की प्रोसेस में उनका जुड़ा हुआ होना इतना ज़रूरी है, वो जातियाँ क्यों इस देश में, जैसे कि इस समय ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, जो सवाल इन्होंने पूछा भी इंदिरा जयसिंह ने कि शेड्यूल कास्ट के सवाल पर ब्राह्मण और बनिया जज ने फैसला दे दिया कि शेड्यूल कास्ट एट्रोसिटी एक्ट जो है वो दुरुपयोग हो रहा है। क्या डाटा है, कैसे आपको पता चला, कितने केसेज में दुरुपयोग हो गया? आप जैसे 498A जो दहेज वाला कानून था उसमें कह दिया गया दुरुपयोग हो रहा है इसलिए आप जमानत दे सकते हैं, कितने दुरुपयोग हो गए? 8,800 के आसपास दहेज हत्याएं हुई, ये सच है। और ये अगर ये 498A ना होता तो और ज़्यादा होती, ये भी सच है।
कितने दुरुपयोग हो गए, 10, 20, 50, 60, इसको आप इतना ब्लो कर देते हैं कि हाय दहेज वाले कानून का दुरुपयोग हो जा रहा है। तो इस देश में जो भी नीचे है, क्योंकि उनकी यूनिटी नहीं बन सकती, ये पॉसिबल नहीं है इस देश में। बात साहब भी कह रहे हैं कि क्रांतियां क्यों नहीं हुई, इसकी उनकी एक पूरी एक वो थीसिस है उनकी। तो ये अब जबकि हम इन सवालों को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और महिलाओं के अंदर एक मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है, पढ़े लिखे लोगों का एक संख्या आ रही है, इनके अंदर आपसी कम्युनिकेशन के नए टूल्स भी बन रहे हैं जो कि सोशल मीडिया वगैरह के जरिए भी है, उसमें प्लस माइनस बहुत कुछ है, उसमें नेगेटिव भी बहुत कुछ होगा। तो इस समय ये एक ऐसा समय है जिस समय की यूनिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव कंडीशंस सामने हैं। बीजेपी को भी अगर बहुत महाबली की तरह दिख रहा है, वो 282 वोट ले आए लेकिन 31% वोट है, और उसके खिलाफ जैसे ही वो ग्रैंड यूनिटी जहां बनती है वो हार रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो इन सवालों पर दरअसल बीजेपी को ही नहीं, इंडियन स्टेट के इस बीच के इनके जो एक्ट्स हैं उसको चैलेंज करने की ज़रूरत है, मंडल कमीशन को दोबारा पढ़े जाने की ज़रूरत है। उसमें 40 सिफारिशें आप देखेंगे इस किताब को तो आप पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 2 सिफारिशें लागू हुई हैं और 30 सिफारिशें अभी तक पड़ी हुई हैं जो कि आप लोग पारित कर चुके हैं जिसको संसद में, उसमें 38 सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, लोगों को पता भी नहीं है। ये किताब इतनी गुप्त टाइप की किताब है कि इसको आप अगर इस किताब के अलावा मंडल कमीशन जिस पर पूरी देश की राजनीति चली है, ये किताब टेक्स्ट के फॉर्म में आपको आमतौर पर अच्छी अच्छी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगी, ये स्थिति है। आपको इसको ना पढ़ा जाए इसकी रणनीति, आप इस समय बाबा साहब को ना पढ़ें इसकी कितनी बड़ी कोशिश है कि आप इस समय भारत सरकार का मंत्रालय उसको छापता है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का अंबेडकर फाउंडेशन छापता है, 2 साल से उन्होंने उसको छापना बंद कर दिया है। अब आप उसको प्राइवेट पब्लिशर से खरीदने जाएंगे तो कम से कम 8 गुना कीमत पर उसको खरीदना पड़ेगा। बाबा साहब न पढ़ जाए इसकी कोशिश है, दूसरी तरफ बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी, आप उसमें जाके अगरबत्ती दिखाइए। तो ये वही है कॉन्स्पिरेसीज, मतलब इसको षड्यंत्र युग मैं कहता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को आप दबा कर रख नहीं सकते हैं बगैर षड्यंत्रों के। तो इस षड्यंत्र युग में हम सारे लोग मौजूद हैं इसमें। ये सिर्फ मैं नहीं मानता हूँ कि ये मंडल कमीशन को लागू कराना, SC ST एक्ट को बचाना, महिलाओं के अधिकारों का जो सवाल है ये इन तबकों का सवाल है। महिलाओं का सवाल सिर्फ महिलाओं का सवाल नहीं है, SC ST का सवाल सिर्फ SC ST का सवाल नहीं है, OBC का सवाल सिर्फ OBC का सवाल नहीं है। इसमें सवर्णों के अंदर के भी एक प्रगतिशील हिस्से के प्रगतिशील एक्ट करने की मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि नेशन का प्रोजेक्ट है। तो ये सारे लोग अगर इस सवाल को इस रूप में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से, देखिए ये भी एक समय है जिस समय सरकार को पीछे कर देने की भी कुछ मिसालें कायम आ रही हैं इस बीच में। सुप्रीम कोर्ट को भी अभी सिर्फ कहने के लिए भी अगर कहना पड़ रहा है कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है उसको देने की हमारी कोई हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, तो अपने आप में एक अचीवमेंट है उस सुप्रीम कोर्ट में जिसमें इस समय शेड्यूल कास्ट का कोई जज नहीं है, OBC के जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का जज तो बना ही नहीं है, आज़ादी के बाद से सिर्फ 7 महिला जज बनी है, इस समय सिर्फ 2 जज है। तो इस तरह के सारे इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह का कंट्रोल एक हिंदू प्रकाश मेल का है, जो एक तरह से RSS भी है, वो कई बार अलग अलग पार्टियों में भी एग्जिस्ट करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर इस देश को कमजोर करने की स्ट्रक्चर्स हैं। बहुत साफ तौर पर हम लोग को मुझे लगता है कहना चाहिए कि जो आरक्षण का विरोध है वो भारतीय राष्ट्र का विरोध है, जो आरक्षण विरोधी हैं उनको देश विरोधी के रूप में चिन्हित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि देश जो है वो सिर्फ नक्शा नहीं है, सिर्फ झंडा नहीं है, वो देश के लोगों से बना है। तो इस वजह से मंडल कमीशन को छापा जाना मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक घटना है, लेफ्टवर्ड ने इसको छापा है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, वो सराहना के पात्र हैं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट को बहुत सारे तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, इसको लेकर एक चेतना बढ़ी है, बहुत सारे नेताओं तक ये पहुंचेगा, बहुत सारे समाज को चलाने वाले लोगों तक पहुंचेगा। मैं अपनी बात सिर्फ इसी बधाई के साथ खत्म करता हूं कि आप लोगों ने ये आयोजन किया और मुझ जैसे व्यक्ति को जो इसमें बहुत सीमित समझदारी रखता है उसको बोलने का मौका दिया।